नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। प्रदेश में एक बार फिर शिक्षा देने वाले शिक्षक भिक्षक नजर आ रहे हैं। वो एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं और प्रदेश सरकार से पूछ रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा। तो 5 दिनों से अनशन पर बैठे कंप्यूटर टीचर्स की सीएम खट्टर से आज मुलाकात तो हुई, लेकिन मुलाकात बेनतीजा रही, जिसके बाद कंप्यूटर टीचर्स का अनशन लगातार जारी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कब बनेगी बात। एक रिपोर्ट। लंबे अरसे से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे कंप्यूटर टीचर्स का लगातार 5वें दिन भी अनशन जारी है और वे लगातार प्रदेश सरकार से वादा खिलाफी की वजह पूछ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है, जो नेता चुनावी मौसम के दौरान कंप्यूटर टीचर्स के सबसे बड़े हमदर्द बन रहे थे, उन्हीं नेताओं को सत्ता का स्वाद चखने के बाद कंप्यूटर टीचर्स के साथ लुका छुपी का खेल खेलना ज्यादा रास आ रहा है। हालांकि शिक्षा निदेशालय के बाहर अनशन पर बैठे कंप्यूटर टीचर्स को मुख्यमंत्री की तरफ से बातचीत का न्योता तो मिला है, जिससे उन्हें कुछ उम्मीद की किरण जरूर नजर आई है। लेकिन उस उम्मीद की किरण को अस्त होते देर न लगी। सीएम खट्टर के साथ एक बार फिर कंप्यूटर टीचर्स की बैठक बेनतीजा रही है। दरअसल कंप्यूटर टीचर्स की प्रदेश सरकार से कई मांगे हैं, जिनमें से मुख्य मांगे हैं निजी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने की मांग, 1300 कंप्यूटर टीचर्स को पिछले एक साल का वेतन मिले, सिक्योरिटी और प्रशिक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी हो बंद, ईएसआई के नाम पर काटी गई राशि का उन्हें लाभ मिले। कंप्यूटर टीचर्स का साफ आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले सत्ता में आने के बाद पहली कलम से उन्हें सरकार में समायोजित करने का वादा किया था। इसके अलावा और भी कई वादे किए थे, लेकिन पक्का करना तो दूर, सरकार अब तक अपने किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कंप्यूटर टीचर्स का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जो या तो सवाल ये है कि कब बनेगी बात। 1300 टीचर्स को पिछले एक साल से वेतन नहीं मिला है। इन तमाम मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत भी हुई, लेकिन वो बातचीत भी बेनतीजा रही। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि अब ये कंप्यूटर टीचर्स करे तो क्या करे। वादा खिलाफी का आरोप अब ये तमाम कंप्यूटर टीचर्स लगा रहे हैं। इनका कहना है कि जिन चेहरों ने इनको चुनाव के वक्त बहुत बड़ा सपोर्ट और समर्थन दिया था, सहयोग दिया था, वो चेहरे आज इनसे मिलने के लिए कतरा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं उस वक्त की, जब बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं थी। कैप्टन अभिमन्यु, जो कि वर्तमान सरकार में वित्त मंत्री हैं, ये इन टीचर्स के बीच बैठे हुए थे, उनकी मांगों को लेकर उनसे बातचीत की थी। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैप्टन अभिमन्यु को, और आप उन्हीं से अब ये वादा खिलाफी का आरोप ये लगा रहे हैं। सुरेश नैन इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, कंप्यूटर टीचर्स संघ के महासचिव है। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सुरेश जी। हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सुरेश जी, आज जो बातचीत हुई मुख्यमंत्री से, सबसे पहले मैं लबोलू आप समझना चाहूंगी, क्या कुछ बातचीत रही? जी, सीएम साहब से मिलने के लिए हमें 2:30 बजे का समय मिला है और हम सीएम साहब से मिले हैं। हमने पूरे वो पुख्ता दस्तावेज जो कंपनी के भ्रष्ट होने का बिल्कुल प्रूफ है कि साबित करते हैं कि कंपनी बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, करोड़ों रुपए के घोटाले कर चुकी हैं, हमने सीएम साहब को दिखाए हैं और पंजाब पॉलिसी भी दिखाई है कि जिस प्रकार से आउटसोर्स से लगे हुए कंप्यूटर टीचरों को पंजाब गवर्नमेंट ने 2.5 साल मात्र होने पे, पूरे होने पे उनको मर्ज कर लिया गया है। सीएम साहब को पूरी हमने कार्रवाई दिखाई कि हम लोग पीजीटी की क्वालिफिकेशन रखते हैं और प्रदेश भर में 3000 कंप्यूटर शिक्षक है जो सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा गरीब बच्चों को देते हैं और हम लोगों को सिर्फ मात्र 12,000 रुपए सैलरी मिलती है, तो वो हम लोगों को 13 महीने से नहीं मिल रही है। ईएसआई के नाम पे 6.75 की कटौती की गई है, पीएफ हम लोगों का नहीं काटा, 2 सेशन से बुक्स हम लोग बच्चों को नहीं मिली है और 13 महीनों से वेतन नहीं मिला। 24,000 रुपए अवैध सिक्योरिटी कंपनीज वसूल चुकी है, 2,250 रुपए ट्रेनिंग फीस के नाम से वसूल चुकी है। तो तकरीबन ये
बहुत करोड़ों रुपए का घोटाला है जो हम पर्दाफाश करना चाहते हैं इसका। बिल्कुल सुरेश जी, आपसे बातचीत जारी रखेंगे, आप लाइन पर बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बलराम दीवान भी जुड़ चुके हैं, संघ के अध्यक्ष हैं वो भी कंप्यूटर टीचर्स के। बलराम जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, बलराम जी, मुख्यमंत्री से जो मुलाकात हुई वो मुलाकात बेनतीजा हुई, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी किस तरह का रिस्पांस रहा सूबे के मुखिया का, क्योंकि ये उसी सरकार की बानगी है जो कि जो तस्वीरों में भी हम लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी तो इसके वर्तमान जो मंत्री हैं आप लोगों के बीच बैठे हुए थे और उस वक्त सबसे बड़े सपोर्टर के तौर पर ये लोग उभरे थे, लेकिन आज इनका रवैया कुछ अलहदा है। आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ रहा इस पूरी मुलाकात में। बलराम जी आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि कंप्यूटर टीचर्स की जो मुलाकात है ये मुलाकात जो है वो बेनतीजा रही है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से कंप्यूटर टीचर्स सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। सुरेश नोयल लेकिन हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुरेश, जो बातचीत रही जाहिर सी बात है उससे बहुत निराशा हुई है, अब आप लोग आगे की तरफ क्या सोच रहे हैं सुरेश? चले, लगता है इनसे भी संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर टीचर्स सीएम खट्टर से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन ये मुलाकात भी बेनतीजा रही है। निजी कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड करने की इन लोगों की मांग थी, पिछले एक साल से यूं कह लें आप 13 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिला है, और जब बिना वेतन के लोग काम करें तो आखिरकार मुश्किल जो हालात है वो सामने आएंगे ही। लेकिन तस्वीरों के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से सियासत जो है वो रंग बदलती है। आप देख सकते हैं ये कुछ प्रमुख चेहरे हैं इस वक्त सरकार के मंत्रिमंडल के, जो इस वक्त सहयोग और समर्थन के लिए इन लोगों के बीच में बैठे थे। बलराम दीवान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। बलराम जी स्वागत है आपका, आप सुन पा रहे हैं हमें सर? हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। बलराम जी आपसे समझना चाहेंगे मुख्यमंत्री से जो बातचीत रही वो बेनतीजा रही, कुछ ऐसे चेहरे भी आप लोगों के समर्थन में तब थे जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी, बकायदा तस्वीरें भी उन लोगों की आए, कैप्टन अभिमन्यु की बात कर लें, अनिल विज की बात कर लें, ये तमाम लोग आप लोगों का सपोर्ट उस वक्त कर रहे थे, लेकिन अब सरकार का जो रवैया है वो बदल चुका है, क्या रहा पूरी बातचीत में? जी जैसे यही बताना चाहेंगे, पूर्व हरियाणा सरकार में हम लोगों ने जो भ्रष्ट कंपनियों के खिलाफ जो एजिटेशन किया था उसमें हम लोग चंडीगढ़ से लेके दिल्ली तक पैदल मार्च निकाल के नरेंद्र मोदी जी को मिलने गए थे। हमने नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से दो बार कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, अपना प्रेसिडेंट ऑफिस में रिपोर्ट कराई है कि ये भ्रष्ट कंपनियां हैं हरियाणा सरकार हरियाणा के अंदर ICT प्रोजेक्ट के अंदर बहुत करोड़ों रुपए के घोटाले कर चुकी है। तो हमारे बीच में रामविलास शर्मा जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, अनिल विज जी आए थे और इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि अभी तो हमारी हरियाणा में बीजेपी सरकार नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही हम लोग आपका पहली कलम से आपका काम कर देंगे। तो हम 3000 कंप्यूटर शिक्षकों ने दिन रात मेहनत करके अपनी नियर डियर, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, सोशल मीडिया की हेल्प से हमने इनका प्रचार किया, इनको वोट दी और इनको मतलब के सत्ता में लेके आने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अब ये वादा खिलाफी कर रहे हैं, अब ये हम लोगों का काम करने से मुकर रहे हैं, तो बिल्कुल वादा खिलाफी का आरोप हम 3000 कंप्यूटर शिक्षक इनके ऊपर लगाते हैं और इनको याद दिलाते हैं वो दिन कि जब ये हम हमारे बीच में बिल्कुल हाथ जोड़ जोड़ के बैठे हुए थे कि आप लोग हमें समर्थन करोगे। बिल्कुल बलराम जी, आप बने रहिए लाइन पर, हम बातचीत आपसे जारी रखेंगे। जरा जवाब ले लेते हैं, राजीव जेटली बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, धन्यवाद। राजीव जी, कंप्यूटर टीचर्स संघ ने आज मुलाकात की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से, मुलाकात बेनतीजा रही, तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तब की तस्वीरें हैं जब सरकार जो है वो सत्ता में नहीं थी, ये लोग कंप्यूटर टीचर्स के बीच में बैठकर लगातार सहयोग और समर्थन की बात कर रहे थे, कह रहे थे अगर आप लोगों का कीमती वोट उन्हें मिल जाएगा तो जरूर आपकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन अब यही कंप्यूटर टीचर्स जो है वो वादा खिलाफी का आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को समझना चाहता हूँ जिसे आप बेनतीजा कहते हैं उसका क्या अभिप्राय है, क्योंकि मैं कल भी मेरे ख्याल से बलराम जी ही थे मेरे साथ किसी टेलीविजन पर और यही बात चल रही थी। इन्हीं गेस्ट टीचर्स ने एक इल्जाम लगाया है कि जो सिस्टम चल रहे थे वो सिस्टम करप्ट थे और ये आश्वासन भी दिया गया था कि जो भी सक्षम व्यक्ति होगा उसको अपनी जगह जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप ये मांग इस तरीके से करना चाहते हैं कि करप्ट सिस्टम को फॉलो करके और नेगोशिएट करके डिमांड को पूरा किया जाए, तो मुझे लगता है कि वो
जिस तरीके से हम हरियाणा प्रदेश के अंदर बदलाव लेकर आना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी लेकर आना चाहते हैं, और हरियाणा प्रदेश के बच्चा बच्चा जिसको जिसके जो हक है वो मिलने की हम बात करते हैं, उन हकों से वो सभी लोग वंचित रह जाएंगे जिन्हें हमने अपने मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर रखा है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के तहत आप लोगों का की रिक्रूटमेंट होगी। तो मैं इनसे बस इतना ही बात बोलना चाहता हूँ, मैं पहले ये समझना चाहता हूँ जिसे ये बेनतीजा कहते हैं, मैं उसे उसको दूसरी तरीके से बताना चाहता हूँ कि नतीजे तो अब निकलेंगे, क्योंकि नतीजे पहले नहीं निकले थे जिसकी वजहों से आप सड़कों पर थे, जिसकी वजहों से आपको 13 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली थी, और जो नतीजा निकलेगा वो नतीजा हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति, हर पढ़े लिखे, युवा, महिला, हर किसी के पक्ष में होगा। राजीव जी, मेरा सवाल ये है आपसे, आपने कहा कि भ्रष्टाचार को तोड़ मरोड़ कर या जिस तरीके से लोग चाहते हैं उस तरीके से मांगे मानी नहीं जा सकती, सरकार सत्ता में नहीं थी जो प्रमुख चेहरे मंत्रिमंडल के, क्या तब ये मांगे आपको जायज लगती थी? मैं आज भी यही बात कह रहा हूँ, जो पहले हमने अपने लेटर में जो हमने अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की थी गेस्ट टीचर को, मैं आज भी उसी बात के ऊपर कायम हूँ कि हम हर किसी को उसका हक दिलवाएंगे, लेकिन जैसा गेस्ट टीचर ने खुद बताया कि जो जिस तरीके से इन्हें नौकरियां मिली थी, जिन कंपनियों के थ्रू या जिस प्रोसेस के थ्रू या जिस टेंडर के थ्रू इनको नौकरियां मिली थी, वो पूरा सिस्टम करप्ट था। तो मैं ये इतनी ही बात बोलना चाहता हूँ कि हम जिस बात को कर रहे हैं कि करप्ट सिस्टम को हटाकर, सिस्टम को इन प्लेस लाकर आप लोगों को आपके हक दिलाए जाएंगे, तो ये बात आप समझिए। यानी आटे दाल का जो भाव है वो सत्ता में आने के बाद पता चलता है राजीव जेटली जी, क्योंकि जिस वक्त आपकी सरकार के ये तमाम चेहरे थे वो भी अनुभवी चेहरे थे, क्या उन्हें उस वक्त समझ नहीं थी कि जो करप्ट सिस्टम है उसके अलग जाकर या एक नया एक दिशा निर्देश देकर ये सारी चीजें हल हो सकती है? उस वक्त तो सपोर्ट की मांग कर दी गई, सपोर्ट दे भी दिया गया और लगातार जो वोट थे वो वोट भी आप लोगों को मिले, आटे दाल का भाव अब आप लोगों को समझ आ रहा है? देखिए, मैं आज भी यही बात कह रहा हूँ जो उस वक्त पे बात कही थी, हम आज भी इस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं कि इनके हक नहीं मिलेंगे। मैं बार बार एक बात वो बात दोहरा रहा हूँ जिस बात को गेस्ट टीचर दोहरा रहे हैं। राजीव जी, लेकिन उस बात पर आगे बढ़ा भी तो नहीं जा रहा है ना, आप पीछे हट रहे हैं ना उस पर आगे बढ़ रहे हैं, जो यथास्थिति है वो बनी हुई है। 13 महीने से जिस शख्स को सैलरी ना मिले उसके घर के खर्चे कैसे चलते होंगे, उसके घर के हालात क्या होंगे, आपसे छुपा हुआ नहीं होगा, संघर्ष राजनीति में बहुत होता है। देखिए, दो बातें हैं, हम मिक्स ना करें इन बातों को। पहली बात यह है कि मैं उस बात को रख रहा हूँ जो गेस्ट टीचर्स ने उठाई है, जिसे इन्होंने कहा है कि हम करप्ट सिस्टम के तहत काम कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि हमने ये बात बोली है पारदर्शी सरकार में, पारदर्शी सिस्टम के तहत आपको आपके हक मिलेंगे। तो जब हम पारदर्शी सिस्टम के तहत हक बोल रहे हैं तो वो हक मजबूत होंगे, वो हक ऐसे नहीं होंगे कि फिर मात्र 6 महीने के बाद इनको सड़कों पर उतरना पड़े। हम चाहते हैं जिसको जिसका जो हक ईमानदारी से संविधान के हिसाब से मिल सकता है, उन सबको वो सारे हक मिलने चाहिए। लेकिन संविधान को दरकिनार करके अगर नेगोशिएट करने की बात आएगी तो नौबत वहीं पे आ जाएगी जैसी नौबत पहले आ रखी थी। जी राजीव जी, जब आपकी सरकार के मंत्री भी जब इन लोगों के बीच में गए थे तब क्या ये पूरी बात वहाँ पर रखी थी क्या? बिल्कुल, जितनी साफ गोई से ये तमाम बातें आज आप कह रहे हैं कि पहले की जो स्थिति थी आगे भी बन सकती है, इतनी साफ गोई से आपकी सरकार के मंत्रियों ने तब ये बात रखी थी क्या? नहीं रखी थी राजीव जेटली जी। मैंने आपको बताया, ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो गेस्ट टीचर खुद कह रहे हैं कि करप्ट सिस्टम के तहत काम कर रहे थे। मैं इनसे इतनी बात पूछना चाहता हूँ और आपसे भी यही बात पूछना चाहता हूँ कि आप चाहेंगे उसी करप्ट सिस्टम को फॉलो करके इनको इनके हक दिए जाएं? लेकिन राजीव जी, ये लोग भी यही चाहते हैं जिस करप्ट सिस्टम के तहत ये लोग काम कर रहे थे, उस करप्ट सिस्टम के खिलाफ आपकी इस वक्त की सरकार के कुछ चेहरों ने उस वक्त सपोर्ट और समर्थन देने का वायदा किया था और उसके आसार पर, उसके आधार पर इन लोगों ने वोट दिया। अगर आपको पिछली बातें दोहरानी थी तो फिर सपोर्ट और समर्थन की दरकार क्यों थी? आपको आपको हक देने की बात आ रही है और आपको आपका हक मिलेगा, लेकिन अगर आप ये बात रखते हैं कि जो सिस्टम चल रहा था उसके तहत हक मिले, तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हम भ्रष्ट सिस्टम के बीच में रहकर हक नहीं देना चाहते, हम पारदर्शी हक देना चाहते हैं ताकि हरियाणा प्रदेश की जनता, हरियाणा प्रदेश का बच्चा, महिला, यूथ, अगर कोई अपने घर बैठे भी देखे, वो ऑनलाइन भी देखे, ट्रांसपेरेंट सिस्टम को भी देखे, तो उसे ये महसूस ना हो कि मेरा हक किसी और को दे दिया गया। राजीव जी, बलराम दीवान जी से बातचीत कर लेते हैं, अध्यक्ष कंप्यूटर टीचर संघ के। बलराम जी, क्या आप सहमत है राजीव जेटली जी की बात से? जी, मैं तो राजीव जेटली जी को एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़ी
लंबी लंबी है बीजेपी की हांकेंगे, कल इनको भी कोई पद मिल जाएगा, ओएसडी बन जाएंगे या कुछ और बन जाएंगे। सबसे पहले मैं इनको एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम गेस्ट टीचर नहीं है, हम कंप्यूटर टीचर हैं। और कंप्यूटर टीचर वो हैं जो सोशल मीडिया को अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने सरकार बनाई है वो सरकार तोड़ भी सकते हैं। गेस्ट टीचर पूरे देश में नहीं है, हम लोग 3000 हैं, हम कंप्यूटर टीचर हैं। हमारे प्रदेश में एलए भी हैं, कंप्यूटर टीचर भी हैं, जेपीटी टीचर भी हैं। ये बार बार गेस्ट टीचर का मुद्दा उठाते हैं, गेस्ट इनको नॉलेज ही नहीं है हमारे मुद्दे की। आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ जी, हमारी बात का पहले गहराई से पता करें। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमने किस चीज का टेस्ट दिया है, आपको नॉलेज ही नहीं है इस बात की। आप हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हम लोगों ने कौन सी सीबैक मोहाली का टेस्ट क्लियर किया है जो सरकारी नियुक्त एजेंसी है। आप समझ रहे हो मेरी बात, राजीव जेटली जी? मैं जवाब दे रहा हूँ मैं जी। राजीव जेटली जी बताएं, 30,000? हाँ, ये सुने मेरी बात को तो जवाब दे पाऊंगा मैं। हाँ बिल्कुल, बलराम जी राजीव जेटली जी इस बात का जवाब देंगे जी। बताए राजीव जी। देखिए, मैं इनको एक बात समझाना चाहता हूँ। मैं अगर ये कंप्यूटर टीचर की बात भी करते हैं, इंडियन सिस्टम के अंदर हमारे जनरल फाइनेंशियल रूल जिसे हम GFR कहते हैं, उसके तहत सरकारी व्यवस्था में मैन पावर की पूर्ति के लिए आउटसोर्सिंग की जाती है। हाँ। और आउटसोर्सिंग जिस तरीके से हुई है उस तरीके के ऊपर हमारे कंप्यूटर टीचर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो आप ये बात को समझिए। मैं बलराम जी से इतनी ही बात पूछना चाहता हूँ, बलराम जी को मेरे से ज्यादा नॉलेज होगी, अगर उस आउटसोर्सिंग के तहत उस आउटसोर्सिंग में सिस्टम ही करप्ट रहा हो, तो आप ये सबसे पहले समझिए कि उस सिस्टम को प्लेस नहीं करना है, हमें उन लोगों को प्लेस करना है जिनके जो सक्षम हैं। मैं मानता हूं कि सभी गेस्ट टीचर सक्षम हो सकते हैं, उनकी योग्यता उनके एक्सपीरियंस के आधार पर उनको उनके हक दिए जाएंगे। मेरी बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये चाहते हैं विद इन दैट सिस्टम हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए, तो मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा हम नहीं दे सकते हैं। भ्रष्टाचार के खात्मे के साथ हक देने ही जरूरी है। और आप देखिए, राजीव जेटली जी एक बार जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे चुके हो, बलराम जी जी, आपके संघ की जो मांगे हैं एक बार राजीव जेटली के सामने आप रख दें, फिर उसके बाद वो जवाब देंगे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी कहां पर आती है, जो भ्रष्टाचार है वो कहां पर आता है, और आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो कहां पर आती हैं। जी, हम तो इनके सामने एक ही डिमांड रखना चाहते हैं। 2013 में हम लोगों की सिलेक्शन एक सरकारी नियुक्त एजेंसी जिस सीडैक मोहाली बोलते हैं उसका टेस्ट हुआ है। 25,000 लोगों ने उसका टेस्ट दिया है। टेस्ट देने के बाद 3,000 लोगों की सिलेक्शन मेरिट बेस पे, शिक्षा विभाग ने मेरिट लिस्ट तैयार करी है, मेरिट बेस पे 3,000 लोगों की सिलेक्शन एज अ कंप्यूटर टीचर सरकारी स्कूलों में करी है। तो उसके अंदर जब मेरिट लिस्ट तैयार हुई है, पूरी ट्रांसपेरेंसी से हम लोगों का इंटरव्यू हुआ है। जैसे इंटरव्यू होते हैं, हम लोगों के जो क्वालिफिकेशन की डॉक्यूमेंटेशन होती है वो प्रोसेस हमने 3 चरण पूरे किए हैं, तब जाके हमें ये 12,000 की नौकरी मिली थी। जेटली साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आज ये बीजेपी की आंकड़े हैं बड़ी बड़ी, शोषण मुक्त समाज बनाएंगे। आप लोगों का शोषण करने में हाथ बढ़ चुका है। कहाँ थे आपके ये नेता जो आज बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, मंत्री पद इनको मिल चुका है, कैबिनेट मंत्री है, 4 को हम लोगों के बीच में हाथ जोड़ के सबसे पहले समर्थन मांगा। आप कंप्यूटर टीचर हो, आप सोशल मीडिया को जानते हो, हमारी बीजेपी का आप समर्थन करो, आप हमें सत्ता में लेके आओ, आपका हम पहली कलम से काम करेंगे। कहाँ है वो पहली कलम? अगर राजीव जेटली जी आपका पहली कलम है तो रामविलास शर्मा जी को जाके दो, हमारा काम करवाओ जी। राजीव जेटली जी, पागलिया जो 3,000 लोग सड़कों पे बैठे हैं, राजीव जेटली जी आप जवाब दीजिए। मैं बहुत आराम से इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है, जिस तरीके से इन्होंने अपने टेस्ट के प्रोसेस को बताया, हरियाणा प्रदेश के अंदर करप्ट सिस्टम के तहत जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है सभी रिक्रूटमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और उसमें से मैक्सिमम रिक्रूटमेंट कैंसिल हुई है। मैं अपने भाई अपने मित्र बलराम जी को ये बात समझाना चाहता हूँ कि आपको चुनावों के मद्देनजर खुश करने के लिए जिस प्रोसेस को अपनाया गया था वो प्रोसेस अपने आप में अनडेमोक्रेटिक था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम आपको हक देना चाहते हैं, आप अगर उसी बात को आगे खींचना चाहते हैं, उसके बाद किसी एक सेकंड
उसके बाद किसी से पेटिशन डलवाकर अपने ही रिक्रूटमेंट को चैलेंज करवाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये आप ही के लिए मुसीबत खड़ी होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो सिस्टम आपको दिया जाए उस सिस्टम के तहत दोबारा कोई चैलेंज ना कर पाए। बिल्कुल, ये सिस्टम राजीव जेटली जी, ये सिस्टम खड़ा होना चाहिए। आपने कहा कि पिछली सरकार ने इन लोगों को खुश करने के लिए या इनका वोट हासिल करने के लिए एक प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसके तहत धड़ाधड़ इनकी नियुक्तियां ये इनके इन प्रकार एड कर दी गई। लेकिन इसी वर्ग को खुश करने के लिए बीजेपी ने भी तो जी तोड़ मेहनत की, जिसकी वानगी ये तस्वीरें हैं। बिना सोचे समझे आपके नेता भी वहां पर मौजूद थे, वर्तमान सरकार की मंत्री भी वहां पर मौजूद थे, और पीस कौन रहा है? ये कंप्यूटर टीचर्स। देखिए, यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले जो हमने आश्वासन दिए हैं उस आश्वासन से हम आज भी पीछे नहीं हट रहे। मैं ये बताना चाहता हूँ, मॉब और जस्टिस दोनों बातों में फर्क होता है। मॉब से आप जस्टिस नहीं ले सकते हैं। हम सिस्टम प्लेस पे लेकर आ रहे हैं और विद इन द सिस्टम आपको सारे हक मिलेंगे, आप विश्वास कीजिए इस बात को। लेकिन चलिए, विश्वास पर तो राजीव जी दुनिया कायम है। जब आपकी सरकार के जो मुखिया हैं उन्होंने निराश कर दिया, तो फिर अब विश्वास कहां जगाया जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता आशा शर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आशा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आशा जी, बात कंप्यूटर टीचर्स की हो रही है, जिनकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से, लेकिन वो मुलाकात बेनतीजा रही, और अब ये पूरा का पूरा संघ जो है इस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। पिछले 13 महीने से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है, समायोजित करने की ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन वो मांगे बेनतीजा। राजनीति के इसी चक्कर में ऐसे लोग पिसते हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ना जाने हमारी राजनीति का क्या सत्र हो गया है या किस तरफ हम जा रहे हैं। जो भी कोई कार्य एक पार्टी करती है, अगर दूसरी पार्टी आती है या उस समय भी वो पार्टी जब होती है, तो उस कहेगी कि अवश्य गलत किया गया है। तो बताइए कैसे सरकारें काम करेंगी, कैसे काम होगा? जो गलत होता है, जो ठीक होता है, उसको कौन सिद्ध करेगा कि ये गलत है और ये ठीक है? तो इसलिए ये कहना कि ये अगर उनके द्वारा लगाए गए थे तो जो आदाया गया इनका जो भी कुछ होना है, ये सब ये ठीक नहीं होता है। ऐसा करके हम आम जनता को, एक ऐसी जनता को जो अपनी आजीविका को प्राप्त कमाने के लिए कार्य करती है, नौकरी करना मांगती है, पढ़ती है, उसको अगर इस प्रकार से उसके साथ कार्य बहुत गलत होता है। बिल्कुल। चलिए आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और इस तमाम बातचीत के लिए आपका। बलराम दीवान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने और तमाम बातचीत के लिए आपका। सुरेश नैन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। लेकिन कंप्यूटर टीचर्स की जो मांगे हैं वो यथावत बनी हुई और समस्याएं भी यथावत बनी हुई। राजीव जेटली ये कह रहे हैं कि जरूर जो विकल्प है वो मुहैया कराए जाएंगे, लेकिन ये कब तक मुहैया कराए जाएंगे और कब तक ये जो शिक्षक वर्ग है वो सड़कों पर रहेगा, उतरेगा और अपना आंदोलन जारी रखेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट में इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार। We'll be right back.